हेलो फ्रेंड्स, कुछ स्टूडेंट के 2023 से 24 की स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आई है। यदि आपकी स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आई है तो आप ये वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। आपको क्या करना है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ बताऊंगा कैसे आपकी स्कॉलरशिप आपके खाते में आएगी। आपको क्या करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट्स कहाँ जाकर जमा करना है, वो आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आप इस तरीके से जैसे मैं दिखा रहा हूं, आप अपने स्कॉलरशिप का स्टेटस चेक कर लीजिए। अपने स्कॉलरशिप का स्टेटस अपना ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और एक कैप्चा डालकर आप सबमिट करेंगे तो आपके स्कॉलरशिप का स्टेटस आपको दिखाई देने लगेगा। जब आपके स्कॉलरशिप का स्टेटस आपको दिखाई देने लगेगा उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्कॉलरशिप में मैं आपके लास्ट तक हेल्प करने वाला हूं जब तक आपकी स्कॉलरशिप आपके खाते में नहीं आ जाती है। यदि आपके स्कॉलरशिप स्टेटस में कोई एरर आ रहा है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं अपने सारे वीडियो पब्लिक नहीं करता हूं, कुछ वीडियो में प्राइवेसी लगाकर पोस्ट करता हूं, तो मेरे वो वीडियो वही लोग देख सकते हैं जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हो। तो यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो अब आप लोगों को क्या करना है वो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। आपके स्कॉलरशिप स्टेटस में क्या एरर आ रहा है वो आप हमसे कमेंट करके पूछेंगे। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपके स्कॉलरशिप स्टेटस में क्या एरर आ रहा है, तो मैं आपको बताऊंगा कि उससे रिलेटेड कौन सा डॉक्यूमेंट्स कहां जाकर जमा करना है, या उससे रिलेटेड वीडियो बनाने योग्य होगा तो मैं वीडियो बनाकर आपकी हेल्प करूंगा। इसके बाद आप होम पर चले जाइएगा, इसके बाद स्टूडेंट पर जाएंगे। स्टूडेंट पर जाने के बाद यहां पर आपको करेक्शन वाला फॉर्म दिख रहा है, तो यहां पर यदि आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो आप फ्रेश लॉगिन करेंगे, यदि आप रिन्यूअल कैंडिडेट हैं तो रिन्यूअल लॉगिन करेंगे। ये नीचे रिन्यूअल लॉगिन दिया हुआ है, तो जिस प्रकार से आपने फॉर्म फिलअप किया हो, यदि आपने फ्रेश फॉर्म भरा हो तो आप फ्रेश लॉगिन करेंगे, रिन्यूअल फॉर्म किया हो तो रिन्यूअल पे जाएंगे। जाने के बाद में आप अपने फॉर्म को ऐसे लॉगिन कर लेंगे, मैं आपकी हेल्प करूंगा कि उसमें जो भी स्टेटस में एरर होगा उससे रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या करेक्शन करना है आपको, वो आप करेक्शन कर दीजिएगा। और करेक्शन करने के बाद आप अपने स्कॉलरशिप के फॉर्म को प्रिंट कर लीजिएगा। जब आप उसका फाइनल प्रिंट निकाल लीजिएगा और उस फाइनल प्रिंट को आप कॉलेज में जमा कर दीजिएगा, कॉलेज में जमा करने के बाद आपकी स्कॉलरशिप आपके खाते में आ जाएगी। लेकिन यदि फिर भी स्कॉलरशिप आपकी नहीं आ रही तो आप हमसे कमेंट करके जरूर पूछेंगे, मैं आपकी हेल्प करूंगा। लेकिन आप कमेंट करके जब तक हमसे नहीं पूछेंगे, जब तक आपकी परेशानी हमको नहीं पता चलेगी, तब तक मैं आपकी कैसे हेल्प कर पाऊंगा। तो आप लोग हमसे कमेंट करके जरूर पूछ लिया कीजिए यदि आपको कोई परेशानी हो रही है। तो स्कॉलरशिप में मैं पहले भी आपकी हेल्प करता आया हूं और आगे भी आपकी हेल्प करता रहूंगा। तो यदि स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो रही है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आपको पता है मैं अपने सारे वीडियो पब्लिक नहीं करता हूं, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो भाई, जिससे और लोगों तक यूट्यूब इस वीडियो को पहुंचा सके और लोगों का भी फायदा हो सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, धन्यवाद, जय हिंद।